देखिए, ईडी, सीबीआई या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको हम स्वायत्त संस्थाएं कहते हैं, कुछ समय पहले अगर आप वर्तमान सरकार केंद्र से पहले की अगर हम बात करें, उस समय जो ये स्वायत्त संस्थाएं हैं उन स्वायत्त संस्थाओं से कई ऐसी बातें या ऐसी झलकियां दिखाई देने को मिलती थी जिससे उन संस्थाओं पर लोगों का विश्वास काफ़ी मजबूत होता था। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से इन संस्थाओं के द्वारा जो संदेश दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्वतंत्रता पर या उनके पीछे कोई ना कोई ताकत लगी है जो अपने तरीके से इन संस्थाओं को चलाना चाहता है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कितने नाम आए विपक्ष के मुख्यमंत्री बनने के, वो आपके सामने हैं। मैंने तो कहा हमारे विपक्ष के लोग अब बेचैन आत्मा हो गए हैं। इनकी बेचैनी इसलिए है कि एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा जैसे लोग अब उनके बराबर में आके खड़े होने लगे हैं और इनको लगता है कि शारीरिक रूप से मेहनत करने से और लोगों के पॉपुलैरिटी से तो हम सकेंगे नहीं। जो इनके पास जो गॉड फादर है इनके, जिनको दो चार पांच नाम जो अभी हम लोग लगातार आप लोग ले रहे थे, उनके माध्यम से ये लोग सोच रहे हैं कि वो चिड़ीमार टाइप से जाल फेंकेंगे, सब चिड़िया फंस जाएगा और हम लोग उनको रोस्ट करके खा जाएंगे। लेकिन अब वो दिन और वो सपना ये भूल जाएं, प्रयास सरकार बनने के बाद से ही इनके पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बन गए, तो जो नेता विहीन हो, जो मुद्दा विहीन हो, ऐसे जमातों का क्या किया जा सकता है? तो ये अपने काम में व्यस्त हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं और हमें किसी भी तरीके का या सरकार में किसी भी तरीके का कोई ऐसा इफ बट की बात नहीं है। और आप देख रहे हैं, आप घूमिए आज किस तरीके से पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है और आप ये उत्साह ही हमारी आने वाले समय में इस राज्य को एक दिशा और गति देगा। और जो काम इन लोगों ने विगत 20 वर्षों में खुद के लिए किया, अब ये सरकार इस राज्य के लोगों के लिए जिस तरीके से एक एक करके, खोज खोज करके लोग अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।